रीढ़ की हड्डी, दकियानूसी, मेडिकल, तालीम, दस्तक, चतुराई, तकल्लुफ़, खंखार कर, मुखातिब, निहायत, ग्रेजुएट, गृहस्थी, तल्लीनता, मस्तक, शर्माती, इज्जत, साहबजादे, होस्टल, उफ़ो, बैकबोन, रुआंसापन। वक्त में बहुत परिवर्तन आ चुका है, समाज में नारी का उत्थान हुआ है, किंतु आज भी सामाजिक कुरीतियाँ पूर्णतः दूर नहीं हो सकी हैं। नारी शोषण आज भी हमारे समाज की ज्वलंत समस्या है। कितनी भी पढ़ी लिखी व सक्षम नारी हो, पुरुष उसे हीन समझता है। विवाह के समय नारी के गुण आंके जाते हैं, परिवार की आय को जांचा जाता है तथा दहेज का परोक्ष अथवा गुप्त संकेत तो अवश्य ही होता है। इसी प्रकार की समस्या को उजागर करती है ये एकांकी। रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार तथा स्त्रियों के आत्मविश्वास व साहस की सराहना इसका उद्देश्य है। उमा विवाह योग्य है। उसके पिता उसके विवाह के लिए उसकी उच्च शिक्षा को छिपाने को विवश हैं। उमा को देखने के लिए एक लड़का आ रहा है। उमा इस सब के विरुद्ध है, किंतु पिता के आग्रह के सम्मुख नतमस्तक हो जाती है। देखिए आगे। पात्र परिचय। उमा लड़की, रामस्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, रतन नौकर, शंकर लड़का जो उमा को देखने आया है, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता। साधारण साज सज्जा, साफ सुथरा कमरा जिसको नौकर की सहायता से रामस्वरूप ठीक ठाक कर रहे हैं। प्रेमा, घर में मक्खन नहीं है, रतन से कहकर मक्खन मंगवा ले। रामस्वरूप, ठीक है जल्दी भेजो, मक्खन वाले की दुकान दूर है। प्रेमा, कोई बात नहीं, यहाँ मैं संभाल लूंगी। दो ही आदमी तो आ रहे हैं। रामस्वरूप, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आया है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, लड़का एक हाथ आगे है, बाप शेर तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जाते जाते। बाबूजी, बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप, बाहर देखकर। अरे प्रेमा, वे लोग आ भी गए। प्रेमा, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा भी देगी। प्रेमा जाती है। किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का प्रवेश। आंखों से लोक चतुराई टपकती है, आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप, अपने दोनों हाथ मलते हुए। इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। रामस्वरूप, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद, खंखार कर। नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसे आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है। बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर। और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपका कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल दो साल। रामस्वरूप, साल दो साल? शंकर जी, एकाध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर एक साल बीमार हो गया था, तभी से थोड़ा पीछे रह गया, वैसे पढ़ाई में होशियार है। रामस्वरूप, जी हाँ जी हाँ।
गोपाल प्रसाद। अच्छा तो साहब, जरा बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप। चौंक कर। बिजनेस? बिज? समझ कर। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? रामस्वरूप। तकल्लुफ किस बात का? अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद, थोड़ी देर बाद दबी आवाज में। आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी। रामस्वरूप चाय की ट्रे लिए हुए प्रवेश करते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप, चाय प्याले में डालते हुए। आपको कैसी चाय पसंद है? गोपाल प्रसाद, मुझे तो आप आधा दूध और आधी चाय दीजिए, चीनी जरा ज्यादा डालिएगा। कम चीनी का क्या जाएगा? रामस्वरूप, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद, अरे साहब मेरी मानो तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप, शंकर को प्याला पकड़ाते हुए। वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप व शंकर हंसते हैं। मजाक नहीं साहब, टैक्स देने वाले चूं भी नहीं करेंगे, देखिए कैसी आमदनी बढ़ेगी सरकार की। रामस्वरूप, वाह वाह खूब सोचा आपने, हम लोगों के समय तो खूबसूरती का प्रश्न ही नहीं उठता था। समोसा बढ़ाते हैं। गोपाल प्रसाद, समोसा उठाते हुए। कभी नहीं साहब, कभी नहीं, पर अब तो जैसे भी हो। लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। जैसे चाहे करें, पाउडर लगाएं, क्रीम लगाएं, घर की औरतों को तो लड़की सुंदर ही चाहिए। आपकी लड़की तो ठीक ठाक है ना? रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है, तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, जन्म पत्री तो मिल ही गई होगी। रामस्वरूप, जी उसका मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, बिल्कुल ठीक। लेकिन साहब साफ बात बता दें, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मैट्रिक तक ठीक है, कौन भुगतेगा पढ़ी लिखी के नखरों को, क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ मुझे कोई नौकरी तो करानी नहीं। गोपाल प्रसाद, लोग मुझसे कहते हैं कि इतने पढ़े लिखे लड़कों के लिए बहुएं तो ग्रेजुएट लीजिएगा, पर बताओ भला लड़के लड़कियों की पढ़ाई क्या एक बात है? यदि औरतें भी अखबार पढ़ने लगीं, पॉलिटिक्स पर बहस करने लगीं, तो चल चुकी गृहस्थी। जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है औरत के नहीं। सब हंसते हैं। रामस्वरूप, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से। अरे जरा पान भिजवा देना। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, यही आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने का रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे दोनों चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ। चश्मा? रामस्वरूप, जरा सकपका कर। जी वह तो, वह पिछले महीने इसकी आंख दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते अचानक रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी। उमा चुप। राम स्वरूप, हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसके जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, क्या वे बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर। गोपाल प्रसाद, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं, और जरा आपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों की हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है, मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है, मैं चलता हूँ, बीए पास, उफ़ गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है, आओ बेटे चलो। दरवाजे की ओर जाते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन, बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के चेहरे पर रुआंसापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा उमा रो रही है। बाबू रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं और उमा की ओर बढ़ते हैं। रतन मक्खन लेकर आता है, पर्दा गिरता है। लेखक परिचय। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मिली। उनका बचपन में नाटकों का निर्देशन आगे चलकर काम आया और वह नाटकों के सृजन में परिणित हो गया। इनके नाटकों में विविधता है, ऐतिहासिक, सामाजिक व कुछ व्यंग प्रधान एकांकियां भी इन्होंने लिखी हैं, जो बहुत चर्चित हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा नाटक, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, एकांकी संग्रह। शब्द अर्थ, तालीम, शिक्षा,
मस्तक, माथा, आग्रह, हट, मुखातिब, संबोधन करने वाला, कायरता, डरपोकपन, तल्लीनता, मग्नता, दत्तचित्तता, दस्तक, हाथ से खटखटाना, तकल्लुफ, शिष्टाचार, औपचारिकता, नतमस्तक, विनीत भाव, दकियानूसी, पुराने विचारों का,